ये जो वर्दी में दिख रहा है ना, ये है डीएसपी अजीत फूकन, ये हैं इरशाद भाई। गोना, इनको छोड़ के आओ हमारी गाड़ी। जी भाई। चल भी जाओ जल्दी, चलो उठो जल्दी, चलो चलो। मुकुल इंस्पेक्टर साहब, आप वहां देखो, आप वहां देखो, आप गाड़ी की तलाशी लो। क्या हाल है आपके? हम तो ठीक है, आज हम आपके हाल चाल जानने आए हैं। डीएसपी साहब, आजकल बड़ा प्यार आ रहा है हम पर, बहुत नजर रखी जा रही है। यहाँ तो कुछ नहीं है जनाब, हमें कुछ नहीं मिला, हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली है, वहां पर कोई नाव है ही नहीं सर जी। डीएसपी साहब, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मछलियाँ फीम नहीं खाती। हाँ, अगर आप मछली खाते हैं तो भिजवा देंगे आपको। मिस्टर मुकुंद, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक न एक दिन तो छुरी के नीचे आना ही पड़ेगा। इंतजार रहेगा आपका, जल्दी ही मुलाकात करेंगे आपसे। चलो बस बस, बहुत हो गया, बाकी हम थाने में देख लेंगे। खोलो इसको। मिस्टर मुकुंद, सज्जन सिंह की लाश की हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी करिए। इंस्पेक्टर, लाश का पंचनामा करो और उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ले जाओ इसको। और हाँ, आप मुझसे मिलके जाइएगा। जी। इससे संभल कर रहना होगा। और देवता दादा मुकुंद, अरे आइए डीएसपी साहब आइए, पता था मुझे आप आएंगे, चलिए बैठ के बात करते हैं। आप इतने हल्के में मत लीजिए मुकुंद जी, मामला 302 का है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? एक उम्मीदवार की हत्या हुई है और इल्जाम आप पर है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह हत्या मैंने की है या करवाई है? कंप्लेंट आपके खिलाफ है, मुझे तो जवाबदेही करनी ही पड़ेगी, आखिर सरकारी नौकर जो हूं। जब मैं कहीं वोट मांगने गया ही नहीं तो खून खराबे का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप इस केस से नहीं बच सकते। मुझे जनता की शक्ति पर भरोसा है ही, अब कुछ कुछ भगवान पर भी होने लगा है। कीजिए, दोनों पे भरोसा कीजिए, भगवान पर भी और लोगों पर भी, हमें तो कानून का काम करना ही पड़ेगा। पर सचमुच कानून का काम करते हैं आप? मिस्टर मुकुंद, हमें चलना होगा, हमें देर हो रही है। देवता दादा, मैं लौट कर आता हूं। चलिए। तो वहां बैठो। मुकुंद कहां है? ये तो बगार कर रहे हैं अपने आका की। क्यों डीएसपी साहब? बेगम साहब, आप इनसे क्यों उलझ रही हैं? ये तो अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने ही मजबूर किया है। पापी तो आप कभी थे ही नहीं। ये आप कैसे कह सकती हैं? मुकुंद भैया कैसा हो रहा है? मुकुंद भैया, मैं जाकर देखती हूं। मुकुंद भैया हवलदार, बाहर देखो ये कैसा शोर है। मुकुंद भैया, मैं श्रीकांत महंत बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सर मैं समझा नहीं। ये तुम किसको पुलिस स्टेशन लेके आए? जी वो बाबदन जी के कत्ल के जुर्म में मुकुंद को। मुकुंद क्यों? कोई सबूत है आपके पास? जी नहीं। कोई इंक्वायरी की आपने? जी नहीं। तो किस बिना पे ले आए आप? वो दशानंद साहब के कहने पर। आप कानून के हिसाब से चलेंगे या दशानंद के हिसाब से?
जी जी, कानून के हिसाब से वो दशानंद साहब आपका नाम ले रहे थे। शट अप। तुम्हें पता है गांव से कितने लोग निकल चुके हैं तुम्हारा पुलिस स्टेशन घेरने के लिए? सॉरी सर। आपके सॉरी कहने से प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा। सॉरी सर, वो दशानंद साहब बिना परमिशन, बिना अरेस्ट ऑर्डर मुकुंद को ले आए, तो आम आदमी का क्या हाल करते हो गया? अभी उसे रिहा करो। आपकी ट्रांसफर अभी कराता हूँ। जी जी, अभी छोड़ देता हूँ। लो डीएसपी साहब, ये रहा आपका गुनेगार। इसी ने गोली मारी है बाबदन को, दशानंद से पैसे लेकर। क्या बता डीएसपी साहब को? जी जी, वो मैं दशानंद बाबू के लिए काम करता हूँ, उनके कहने पर मारता मैंने बाबदन को। रेणु जी, माननीय मंत्री श्रीकांत जी का फोन आया था, हम मुकुंद जी को छोड़ रहे हैं। जी हाँ, मुझे ही उनसे गुजारिश करनी पड़ी ताकि वो सच्चाई का साथ दे सके।